दोस्तों मैं पहुंचा था दशमेश ग्रुप की स्टॉल पे। तो दशमेश ग्रुप दोस्तों समय के हिसाब से अपडेट है, हर साल किसानों के लिए नए नए पेमेंट लेकर आती है। 2024 में दोस्तों दशमेश 91 हार्वेस्ट लेकर आई है जो डबल थ्रेशर में किसानों को मिलने वाली है, जिसको डायनामिक इसका नाम दिया गया है। एसी कैबिन में तैयार हुई हार्वेस्टर है दोस्तों। किसानों में बताना चाहता हूँ जी हार्वेस्टर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के लिए और फाइनेंस की सुविधा इस पर उपलब्ध है। क्या क्या अपडेट है आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। में प्लेट बॉडी में तैयार हुई हार्वेस्टर है और BS4 इंजन मिलने वाला है इसमें आपको, और आप इसको एसी कैन में ले सकते हैं और दूसरी लेना चाहते हैं दूसरी भी ले सकते हैं। और इसमें जितनी पुलियाँ हैं वो आपको बुश वाली मिलने वाली हैं। पोलर सिस्टम दिया गया है, आप बहुत कम समय में पुली को चेंज कर सकते हैं। फैन का सिस्टम है, काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। जितने बैरिंग है वो आपको TR कंपनी के में देखने को मिलेंगे। और फैन के नीचे जो सीट लगाई गई है वो आपको स्टील की मिलने वाली है। फीडर के नीचे जो आपको सीट मिलने वाली है वो आपको स्टील की मिलने वाली है। और कटर के नीचे जो सीट लगाई हुई है वो आपको स्टील की मिलने वाली है। और जो आपको आगे देख रहे हैं जी मक्का कटर कंपनी जो इसके साथ लगाया गया है, काफ़ी बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा मक्का कटर है। फोल्डिंग है दोस्तों और काफ़ी लंबा मक्का कटर दिया गया है। और गुडियर की कंपनी साथ में टायर दे रही है। चेंजर सिस्टम देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया बना हुआ है इसमें। आगे ब्लोअर सिस्टम देखने को मिलता है, रात को अगर काम वगैरह कर रहे हैं तो LED लाइट देखने को मिलती है इसमें। और नीचे दिखाना चाहता हूँ दोस्तों को मास्टर स्टैंड मिलने वाले हैं दोनों साइड। आप दोनों साइड से हार्वेस्टर कहीं से घुमा सकते हो, बहुत कम छोटे रास्तों से आप आसानी से इसको चला सकते हो, घुमा सकते हो आसानी से। और बड़ी प्लेटें इसको मिलने वाली हैं नीचे देख सकते हैं। और 4 स्पीड में 5 स्पीड में आप गियर सिस्टम ले सकते हैं। तो कटर के जैक की बात करें तो वो भी आपको काफ़ी मोटा जैक मिलने वाला है, आप देख सकते हैं। साथ में मैकेनिकल जैक सो कंपनी साथ में दे रही है। आप जो फीडर में सीट देख रहे हैं फुट में, ये आपको स्टील की मिलने वाली है। तो देख सकते हैं दशमेश की दोस्तों हर छोटी छोटी जो इनके पार्ट हैं उनकी हाउसिंग की हुई है दशमेश की खुद की ब्रांडिंग की हुई है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे नट बोल्ट लगाए गए हैं। मैं आपको जल्दी में दिखाना चाहता हूं दोस्तों। और नीचे आप देख सकते हैं एयर टैंक किसान भाई को मिलने वाला है, और एयर टैंक मिलने वाला है दोस्तों। और डिजनेक दोस्तों देख सकते हैं इसमें काफ़ी बढ़िया डिजिटल सिस्टम दिया गया है जो अंदर ही इसको कवर किया गया है। और दोस्तों बीच आप मैं दिखाना चाहता हूँ इसमें रेडिएटर सिस्टम दिया गया है BS4 इंजन में, जो 133 HP का इंजन है। किसी तरह इंजन पर धूल मिट्टी ना लगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बुश सिस्टम दिया गया है, काफ़ी बढ़िया है दोस्तों ये भी। और बॉडी की बात करें तो काफ़ी बढ़िया प्लेट बॉडी भी देखने को मिलेगी। टायरों में हवा भरने के लिए यहाँ पे पैप भी भरा दिए देखने को मिलेंगे आपको। और BKT कंपनी के दोस्तों टैग देखने को मिलेंगे इसमें दोस्तों, काफ़ी बड़े टायर देखने को मिलेंगे। और ऊपर चढ़ने के लिए आपको काफ़ी बड़े सीढ़ी देखने को मिलेगी, जी देखिए काफ़ी स्टाइलिश सीढ़ी बनाई गई है। और ये दोस्तों फोल्डिंग है, आप इसको आसानी से ऊपर फोल्ड कर सकते हैं। और देख सकते हैं हर जो स्टेप आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है ऊपर चढ़ने के लिए। दशमेश 9100 इसका जो नाम आप देख सकते हैं। और मलेरकोटला में दोस्तों जो कंपनी है, पीछे से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन है। और नीचे से दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, 5-स्टार वाकर में मशीन है और काफ़ी बढ़िया इसके से सीफें हैं, वो काफ़ी बढ़िया दी गई हैं। और हिस्से की बात करें तो काफ़ी मोटा आपको पीछे हिस्सा देखने को मिलेगा जो काफ़ी मोटी प्लेट में बना हुआ है। मोरनी देख सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी मोटी मोरनी देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छे इसमें जैक देखने को मिलेंगे दोनों साइड आपको। और यहाँ पे टूल्स बॉक्स मिलने वाला है। और जो उग्र है वो भी आपको ऊपर काफ़ी अच्छा इसको कवर किया गया है उग्र को। और जितने भी जैसे मैंने बताया था TR कंपनी के, इसमें आपको बैरिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, प्लेट बॉडी में दिए गए हैं। हर बैरिंग में आपको ग्रीस पैप यहाँ पे दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। और जो आर्म की बात करें वो भी आपको काफ़ी मोटी दी गई है, हर आर्म में भी आपको दशमेश की आपको हाउसिंग देखने को मिलेगी। तो किसी तरह दोस्तों जो अपने इंजन का तेल वगैरह निकालना है तो देखिए यहाँ पर सिस्टम दिया गया साथ में। और अमराउंड कंपनी की बैटरी देने दोस्तों, जिसकी लगभग 2 साल की गारंटी रहती है कंपनी की। और अगर आपने सामान वगैरह रखना है वो भी आपको सिस्टम देख मिला गया। और दोस्तों यहाँ पे चेंजर सिस्टम दिया गया है, वो आप देख सकते हैं कितना आप में चल रहा है, वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो आपको दिखाता हूँ ऊपर चलकर कैसे लग रही है मशीन। दोस्तों हम ऊपर आ गए थे तो आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही हम ऊपर आए तो आप देख सकते हैं कितनी बैठने में कितनी कंफर्टेबल मशीन है। आप दोस्तों आराम से सीट से बैठ सकते हैं। और जो सीट है वो आपको ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडजस्टेबल सीट है दोस्तों। और स्टेयरिंग है वो भी आपका एडजस्टेबल मिलने वाला है, आगे पीछे आप कर सकते हैं इसमें। और जितने लीवर हैं वो आपको सभी पास में मिलेंगे सभी। और RPM का सिस्टम आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर आपने हार्वेस्टर को तो ज़्यादा चलाना है तो उस पर चला सकते हैं, अगर कम पे चाल पर चलाना है तो आप उस बटन से चला सकते हैं। तो आगे आपको LED देखने को मिलेगी दोस्तों, काफ़ी बढ़िया AC कैबिन है जो आपको देख सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम इसमें आपको दिया गया है।
और जितने लीवर हैं ऑफ लाइट के उगर के वो आपको पास में मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये हाइड्रोलिक सिस्टम मिलने वाला है आपको डिस्चार्ज उगर का, और दानवेल टैंक को पूरा अच्छे से कवर किया गया है। और दशमेश की स्टाल पे आप देख सकते हैं कितनी भारी भीड़ है किसानों की। यहाँ पे आपको बिल्डर किसान दशमेश कंपनी का स्टार रीपर वो भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों हम नीचे आ गए थे। दोस्तों अगर आप भी दशमेश ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, दशमेश ग्रुप की 9100 हार्वेस्टर लेना चाहते हैं, या इनके स्टार रीपर मल्चर बेलर मशीन लेना चाहते हैं, रोटावेटर लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं दशमेश ग्रुप के, आप इन नंबर बात कर दशमेश ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। दोस्तों मैं पहुंचा था दशमेश ग्रुप की स्टॉल पे।